गंज बासौदा क्षेत्र में इस समय प्रशासन की लगातार सख्ती एवं कार्यवाहियों से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। विगत दो दिन के अंदर राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा अलग अलग दो बड़ी कार्यवाही की गई, जिसमें 40 ट्रक गिट्टी का स्टॉक विसर्जन घाट वेतवा के पास तिरंगा चौक पर, दो अवैध स्टॉक नवदा सेंट रेत, दो ट्रक पत्थर, दो ट्राली गिट्टी, एक ट्राली रेत की पकड़ी गई है। ये पूरी कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजेश मेहता, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भारत भूषण शर्मा, नवागति आय नगर थाना सिमी देसाई द्वारा की गई। इस बड़ी कार्यवाही के कारण नगर में चर्चा का विषय है कि नए अधिकारी नगर में आए हैं और काम हो रहा है। उक्त कार्यवाही में रेत गिट्टी के सभी प्रकरण पंजीबद्ध करके माइनिंग कलेक्टर विदिशा के लिए कार्यवाही के लिए भेजे जा रहे हैं। SDM ने सांध्य प्रकाश को बताया कि कुछ क्रेशर मशीन प्लांट वाले भी राजस्व की चोरी कर रहे हैं, वह गिट्टी बिना रॉयल्टी के बेच रहे हैं। आज ट्राली ऐसे ही मशीन वाले की पकड़ी है। वही नगर थाना प्रभारी द्वारा पकड़े गए दोनों पत्थर के ट्रकों पर आगामी कार्यवाही के लिए वन विभाग को सौंपा जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर उदयपुर से गंज बासौदा की ओर आ रहे दो ट्रकों की सूचना नवागति आय श्रीमती सुमी देसाई को मिली। पदभार ग्रहण करने के उपरांत TI ने पुलिस के सहयोग से पहले ही दिन बरेट रोड धन कांटे के पास दोनों ट्रकों को पकड़ लिया। ट्रकों में अवैध पत्थर भरा हुआ था। पुलिस ने जो कार्रवाई की है सर, उसमें कितने ट्रक जब्त हुए और माल कितना जब्त हुआ और उसकी लगभग कीमत क्या है? आज अवैध उत्खनन के बारे में दो ट्रक उदयपुर मार्ग से आ रहे थे, जिसको पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा और पकड़ने पर दो ट्रक जिसमें मालिक महबूब खान गाड़ी ड्राइवर और योगेश सोनी मालिक, ये दोनों मालिकों के दो ट्रक दोनों ड्राइवर लेके अवैध उत्खनन की सामग्री जिसकी कीमत पर्चियों की 30,000 रुपये है, तो इस तरह 60,000 रुपये की पर्ची की कीमत और ट्रकों की कीमत 3,00,000 है, तो 3,60,000 का माल इनसे जब्त किया गया है और दोनों ट्रकों की मूल्यांकन जो किया गया है 3,00,000 कुल 6,60,000 की राशि इनसे जब्त की गई है और अवैध उत्खनन करने के इरादे से ये लोग अपनी गाड़ी पर नंबर नहीं डालते हैं और पुलिस से बचने की नीयत से ये पेपर्स भी गाड़ी पर नहीं रखते, इनसे पेपर्स मौके की चेकिंग के दौरान मांगे गए जिस पर इन्होंने कागज के पेपर अपने वाहन के पेपर्स उपलब्ध नहीं कराए गए, अतः इनको 41(1)(4)(379) IPC और वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत जब्त किया गया है और कार्रवाई की गई और नवागंतुक TI सुमित देसाई और पुलिस बल सब इंस्पेक्टर तोमर और अन्य आरक्षकों के द्वारा ये अवैध उत्खनन पर अंकुश लगाने के तहत कार्रवाई की गई। इसी कार्रवाई की श्रृंखला में गत सप्ताह से पुलिस अधीक्षक श्री विनायक वर्मा साहब ने संपूर्ण जिले में अवैध उत्खनन, स्मैक ब्राउन शुगर, जुआ सट्टा पर कार्रवाई करने के लिए समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था, जिसके उसमें आज कार्रवाई की गई।